जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। ईद पर्व को लेकर जयनगर थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित, कई बिंदुओं पर चर्चा। मधुबनी जिला के जयनगर के थाना परिसर में ईद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में ईद पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता संयुक्त रूप से अनुमंडल पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विप्लव कुमार ने किया। इस मौके पर SDO वीरेंद्र कुमार ने उपस्थित लोगों से कहा कि ईद को शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाए, इस मौके पर कहीं भी उपद्रव करने वालों की पहचान की जाए, वहीं ईद के लिए नमाज पढ़ने के लिए आने जाने वालों की सुविधाओं का ख्याल रखा जाए। बैठक में DSP विप्लव कुमार ने कहा कि ईद को लेकर प्रशासन गंभीर है, लोगों से अपील की जाती है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, शांति भंग करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, अफवाह न फैलाएं और इससे बचने की भी कोशिश करें, कोई अफवाह फैलाएं तो तुरंत पुलिस को सूचना दें, पुलिस वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इस दौरान जनप्रतिनिधियों व बुद्धिजीवियों ने आश्वस्त करते हुए कहा कि इस जयनगर थाना क्षेत्र में किसी भी समुदाय का पर्व होता है तो पूर्व से ही हम लोग सहयोग करते आए हैं। थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने कहा कि पर्व के दौरान उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार, अपर अनुमंडल पदाधिकारी गोविंद कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विप्लव कुमार, थाना अध्यक्ष अमित कुमार, मोहम्मद जिलानी, मोहम्मद इद्रीश, भूषण सिंह, सुरेंद्र महतो, मोहम्मद जहांगीर हाशमी, राजकुमार सिंह, धीरेंद्र झा, संतोष मंडल, महेश यादव, कारी यादव, अनिरुद्ध ठाकुर सहित अन्य मौजूद थे। देखिए इस रिपोर्ट को। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अनुमंडल क्षेत्र में पूर्व से ही बहुत शांतिपूर्वक इस पर्व को मनाया जाता रहा है और उम्मीद करते हैं कि इस साल भी ईद का जो त्यौहार आने वाला है आगामी एक दो दिनों में, तो सभी लोग यहाँ के जो भी लोग हैं अनुमंडल के वासी और जिला के जो भी लोग यहाँ आते हैं रहते हैं, सभी शांतिपूर्वक भाईचारा के साथ इस पर्व को मनाएंगे। जहाँ तक प्रशासनिक तैयारी और व्यवस्था की सवाल है तो हमारे प्रशासन के जो भी पदाधिकारी हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं, हमारे BDOs हैं, CEO हैं और सभी पदाधिकारी जो अनुमंडल स्तर के हैं सभी क्षेत्र में तीनों प्रखंड में मुस्तैद रहेंगे, लोगों को कोई असुविधा नहीं हो इसके लिए पूरा हम लोग ख्याल रखेंगे। इसका प्रशासनिक तैयारी में कोई कमी नहीं है, हम सब सभी तैयारी कर लिए हैं। शांति समिति उस समय भी हुई थी और काफ़ी अच्छा सहयोग मिला था, जिसमें भी जयनगर का तो एक विशेषता है कि यहाँ जो है हर तरह का मैंने धर्म के लोग आपस में हर धर्म को सहयोग करते हैं जाते हैं और उसमें आप लोग जैसे सर्व और संभ्रांत लोग जो बौद्धिक रूप से सक्षम है उनका सहयोग रहता है। शांति समिति की बैठक का भी उद्देश्य यही रहता है कि शांति तरीके से सारा पर्व त्यौहार हो, आप लोगों का सहयोग प्राप्त किया जा सके। अब प्रशासन के साथ जो है हम लोग भी रहते हैं कि हाँ इसको जो है अच्छे ढंग से आपके सहयोग के माध्यम से फीडबैक के माध्यम से हम लोग कराएं, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो है बारी बारी से आप लोग आए हुए हैं, रोजा में भी हैं आप लोग, तो बता दीजिए कैसे कैसे क्या है कार्यक्रम किस तरह से है। तो चांद पर है, चांद दिखा। अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।